हेल्थ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कितनी भी अच्छी नींद ले ले, लेकिन सुबह उठकर हमारी बॉडी में एक्टिवनेस आती ही नहीं। बॉडी में थकान, कमजोरी फील होती है, आंखें दर्द करती रहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इतना सब लेने के बाद भी हमारी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं आता, हमेशा टायर्ड फील करते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आज की ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जिससे बॉडी का पूरा आलसपनी खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, और 70 रोग है जो आपकी बॉडी से एकदम गायब हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, उस चीज का साइड इफेक्ट नहीं है। उस चीज को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स चूने की। आयुर्वेद में चूने को मेडिसिन बताया गया है। चूना मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से सस्ते में मिल सकते हैं। चूना एक कैल्शियम है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और बहुत से रोगों में हमें आराम देता है। यह हमारी बॉडी में एक्टिवनेस लाता है, आलसपन दूर करता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, और भी कई बीमारियां हैं जिसमें यह हमारी मदद करता है। चूना एक ऐसी चीज है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। चूने को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकते हैं। अगर इसे सही से लिया जाए तो यह हमारी बॉडी के कई रोगों को नाश करता है। चूने को लेने का जो सबसे सही तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमें कितनी मात्रा में चूना लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चूना लेने से किडनी में स्टोन्स हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चे को आधा ग्राम और एडल्ट्स को एक ग्राम, यानी कि बड़े लोग एक ग्राम और छोटे बच्चे लोग आधा ग्राम चूना ही ले। चूने को सीधा जीभ पर बिल्कुल ना रखे। चूने को लेने के लिए आप इसे पानी में घोल सकते हैं, दही में घोल सकते हैं, या इसे दाल में डालकर ले। इस तरह से अगर आप दिन में एक बार एक ग्राम चूना ले लेते हैं तो ये आपके बॉडी को कई रोगों से दूर रखता है। दोस्तों, कई ऐसे बीमारियां हैं जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। हम लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं और एक बीमारी पूरी पैसा खत्म कर देते हैं, जैसे कि घुटने चेंज करना। अब घुटने की बात करें तो इसके दर्द का सबसे मेन कारण है कैल्शियम की कमी होना। अगर कैल्शियम की पूर्ति ना किया जाए तो समय के साथ साथ घुटने कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप 2 रुपए का चूना खा लेते हैं तो आपको घुटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा अपने शरीर को संभाल के रखें, केयर करें। तो आइए जानते हैं, चूने का अगर हमारी बताए गए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे। चूना बात का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमारी बॉडी में गैस बढ़ जाती है तो बॉडी में पेन होने लगता है। दरअसल जो गैस है वो पेट से होते हुए बॉडी के अलग अलग अंगों में हो जाते हैं। जिस भी अंगों में ये गैस रुक जाता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सिर में गैस जम जाता है और सिर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार गैस हमारे पेट में जम जाते हैं, कभी कभार गैस हमारे पीठ में जम जाते हैं, बाजू में अटक जाते हैं। जहां पर भी गैस रुक जाते हैं वहीं पर दर्द होता है। और बात का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये चूना ही है। चूना अगर आप हर रोज 1 ग्राम खाते हैं तो आपका बात दोष दूर होता है, साथ ही साथ ये 70 बीमारियों में हमारी मदद करता है। रोज चूना खाने से आपके दांतों का दर्द ठीक होता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है या सेंसिटिविटी प्रॉब्लम रहता है तो 2 महीने आप चूना खाकर देखिए। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर अपना दिमाग को तेज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका IQ लेवल बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग शार्प हो जाए, छोटे बच्चे जो ठीक से पढ़ाई याद नहीं रखता, अगर उसका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए चूना सबसे अच्छा है। चूना हर रोज खाने से IQ लेवल तेज होता है, दिमाग का विकास होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा दिन थकान महसूस होता है, आलसपन रहता है, आपको कमजोरी होती है, तो आपके लिए चूना सबसे बेस्ट है। जो हर रोज चूना खाते हैं वो लोग बहुत एक्टिवनेस रहते हैं, अपने काम को जल्द कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चूने का इस्तेमाल हमारे बताए गए तरीके से करते हैं तो आप बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्लीज आप चूने को रोज खाएं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से चूने को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही।